गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम बात करेंगे कुछ परिभाषिक शब्दों की जो ज्योग्राफी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परिभाषिक शब्दों में बात करते हैं तो मरुस्थल या फिर हम ये कहें जो अर्धशुष्क और शुष्क उष्ण मरुस्थलीय हैं, जो गर्म मरुस्थल हैं, उसमें किस प्रकार से बहते हुए जल के कारण जो है आकृतियाँ बनती हैं और उनके क्या नाम हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं विश्व के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों की, तो आप लोग अपने स्क्रीन पर मैप को देख रहे होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये जो येलो पार्ट है, ये एक मरुस्थल को निरूपित करता है। इसी प्रकार से पूरे विश्व भर में जो है इसका एक पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में उस जो ये एरिड और सेमी एरिड का जो क्षेत्र है, ये राजस्थान या फिर हम थार मरुस्थल के रूप में इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अलग अलग देशों में इसका विस्तार है। अब हम इससे संबंधित जो बात करेंगे, जो मुख्य परिभाषिक शब्द आज हमने लिए हैं वो उत्खात स्थलाकृति है, प्लेया है, बजादा और पेडिमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है जो जल है और उस जो ये समुद्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बहता है उसके द्वारा निर्मित ये आकृतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्खात स्थलाकृति की, जिसे हम बेड लैंड टॉपोग्राफी के नाम से जानते हैं। बेडलैंड टॉपोग्राफी, अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा बेडलैंड टॉपोग्राफी का। और ये उन क्षेत्रों में बनता है जिनमें जो सेमी एरिड्स हैं या अर्धशुष्क या रेगिस्तानी भाग हैं, उसमें जो लेयर्ड रॉक्स होती हैं, जिसे हम परतदार सेल कहते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली जो लगी रहती हैं, ये उस समय पर पैदा होता है जब एक दूसरे के बाद होते हुए वहाँ पर कोई अचानक से बारिश हो जाए या ऐसे में कोई बारिश हो जाए, तो जो बारिश का पानी है वो छोटी छोटी जलधाराओं में बट जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो टीदरिंग है या अपरदन इरोजन है उसके कारण जो है रेवराइंस पैदा होते हैं, गड्ढे पैदा होते हैं, और इन्हीं से जो है घाटियां बन जाती हैं, गहरी घाटियां, इन्हीं को रेवराइंस के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को देखें, जिसे हम रिज कह सकते हैं, तो एक प्रकार से ये रिज भी बन जाती है। इस तरह की स्थलाकृतियां जो हैं उत्खात स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं या बेडलैंड्स टॉपोग्राफी कहलाती है। इसके कुछ और आप लोग फिगर्स देख सकते हैं। ये भारत में जो है चंबल का क्षेत्र है, जो चंबल नदी ने बनाया है, तो आप लोग जो लेफ्ट साइड में क्षेत्र देख रहे हैं, ये उसी से उत्पन्न उत्खात क्षेत्र है या रेवराइंस है, जो चंबल के बिहड़ के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो इंडिया के मैप में जो आपको ये डार्क कलर दिखाई दे रहा है, उससे संबंधित जो है ये रेवराइंस लिए गए हैं, उत्खात भूमि ली गई है। इस तरह की अगर हम देखते हैं तो विश्व भर में इसका रूप देखने को मिलता है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर मोंटाना या फिर उटा, कोलोराडो या एरिजोना या नेवादा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसका संबंध बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कार्स्ट जो प्रदेश होते हैं उस टाइप के दिखाई देते हैं, जो कार्स्ट लैंडफॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें अंतर ये है कि कार्स्ट लैंडफॉर्म जो होते हैं चूने की चट्टानों में बनते हैं और वो बहते हुए जल के द्वारा जब घोलन वाली क्रिया सॉल्यूशन बना लेती है जो मिट्टियों के साथ में, पानी के साथ में जो कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, उसके कारण जो है कास्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये अपरदन के कारण उत्पन्न होता है। आगे ये चंबल के कुछ रेवराइंस आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्लेया की। प्लेया जो है रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से जो घिरा हुआ बेसिन होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। अगर दो साइड में हम पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र देख लें तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बेसिन है, इसको हम बालसन के रूप में जानते हैं। बालसन, BOLSON, बालसन। तो ये जो बालसन है, इसी से संबंधित ये वाली जो आकृति है उसका संबंध लिया गया है।
अब हम बात करेंगे चारों तरफ से जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ये निकलकर बालसन में जाती हैं, परंतु कुछ तो रास्ते में सूख जाती है, लेकिन कुछ नदियों से जो है बालसन में जल इकट्ठा हो जाता है जो थोड़े समय के लिए एक झील का निर्माण करता है। अगर हम देखें ये जो जल है ये सूखती हुई ये जो झीलें होती हैं ये समाप्त हो जाती हैं और बालसन की जो तली हुई है उसमें मिट्टी और नमक के जो सेडिमेंट्स हैं उसको वो इकट्ठा करती रहती है। इस तरीके से बालसन का जो क्षेत्र होता है बीच का वो समतल हो जाता है, प्लेन हो जाता है और ऊंचा हो जाता है। इसी समतल और प्लेन ऊंचे क्षेत्र को जो है प्लेया के रूप में जानते हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये प्लेया वाला क्षेत्र है जो इस कलर में दिखाया गया है और ये पूरा का पूरा एक बालसन है। इसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हमें मिल जाती हैं। तो बालसन को अगर हम अलग जगह देखेंगे तो ये अधिक नमक वाले जो क्षेत्र होते हैं कहीं कहीं पर इसको सेलिनास के रूप में जानते हैं और प्लेया को अरब के रेगिस्तान में जो है खबारी के रूप में जानते हैं या ममलाहक भी इसको कहते हैं। अगर हम सारहा रेगिस्तान की बात करते हैं तो सहारा में इसको सट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर दो तीन नाम जो है प्लेया का फेमस है। नंबर एक सेलिनास, सेलिनास का मतलब जहाँ पर ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, और रेगिस्तान जो अरब में पाया जाता है उस वहाँ पर प्लेया को खबारी या ममलाह कहा जाता है और जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर इसको सट के रूप में जाना जाता है। अब हम अगली आकृति पर बात करेंगे जिसका संबंध है बजादा से। तो बजादा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम बजादा ही पढ़ेंगे। बजादा जो है जो ये प्लेया है और जो पर्वत का अग्रभाग है, अग्रभाग मतलब जो ढाल वाला नीचे वाला हिस्सा है उसको हम अग्रभाग के रूप में जानते हैं। तो प्लेया और पर्वत के अग्रभाग के बीच में जो है एक मंद ढाल वाला मैदान बनता है और इस मैदान का जो निचला भाग होता है जिसका संबंध प्लेया से होता है उसको बजादा कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये हमारा एक माउंटेन है और माउंटेन से संबंधित ये वाला जो क्षेत्र है एक मैदान है और इस मैदान में जो ये प्लेया है इससे संबंधित जो ये क्षेत्र ये बजादा कहलाता है। तो इधर वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ये बजादा कहलाता है। तो इसका संबंध जो है प्लेया से मिलता है। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ढालू नहीं होता है, ये प्लेया के आसपास जो है 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास का ढाल होता है, इसी को हम बजादा कहते हैं। बजादा के अगर हम आर पार तथा पर्वतीय भागों की देखें तो उसकी परिच्छेदी का जो है एक अंडुलेटिंग या लहरदार के रूप में होती है और बजादा का जो विस्तृत होने पर उसमें जो है ज़्यादा छोटी छोटी जलधाराओं का आविर्भाव हो जाता है, यानी कि बजादा में जो है छोटी छोटी जो नदियां हैं वो बहना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर जलधाराएं कई भागों में बट जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बजादा के ऊपरी भाग में देखेंगे तो मलवा जो होता है उसकी मोटाई कम होती है, लेकिन निचला वाला भाग जो प्लेया के पास में होता है वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। अब हम आगे चलते हैं, पेडिमेंट की बात करते हैं। तो पेडिमेंट हमारा ये एक और टॉपिक है। पेडिमेंट का जो संबंध है वो पर्वतीय अग्रभाग और बजादा के मध्य है जो अपरदित सैल है, जो इरोज हो गई है जो रॉक्स, उसकी सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को जो है पेडिमेंट कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो फोनिक्स माउंटेन है उसका एक पार्ट है, उसी के नीचे हमने पेडिमेंट को दिखाया है। पेडिमेंट जो है कम ढाल वाला होता है, मतलब एक सामान्य ढाल है जिसकी अगर हम डिग्री में बात करें तो 8 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास का होता है और ये बजादा में जहाँ सेडिमेंट ज़्यादा होते हैं वहीं पेडिमेंट जो है एक तरीके से बिल्कुल एक नेक्ड रॉक के रूप में जानी जाती है, नग्न सेल के रूप में जानी जाती है और इसके जो विस्तार होते हैं कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। पेडिमेंट का जो निर्माण होता है वो अपक्षय से या सरिता अपरदन के द्वारा विभिन्न संरचना वाली जो चट्टानें होती हैं उनके कट जाने से हो जाता है और बजादा तथा जो पेडिमेंट होते हैं उनके ढाल में अंतर इतना कम होता है कि वो दूर से देखने में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि बजादा है या फिर पेडिमेंट है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं तो अंतर स्पष्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ उसका जो निर्माण की दृष्टि होती है उसमें भी पर्याप्त अंतर मिलता है। पेडिमेंट का जो निर्माण होता है वो पर्वत के अग्रभाग में डिग्रेडेशन या निम्नीकरण के कारण, जिसे हम अपरदन भी कह सकते हैं, अपरदन के द्वारा होता है, जबकि पेडिमेंट तथा पर्वतीय का जो अग्रभाग
से मिलने वाली जो रेखा होती है उसके ढाल पर जो ढाल होता है वो बहुत तीखा होता है और कभी कभी ये ढाल जो होता है 90 डिग्री तक हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पेडिमेंट बनता है। तो हम अपनी स्क्रीन पर अगर पेडिमेंट को देखेंगे तो बेसिकली ये वाला क्षेत्र जो है ये पेडिमेंट है, इसके बाद ये बजादा शुरू हो जाता है और आगे चल के प्लेया शुरू हो जाता है। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की है वो बजादा, प्लेया और उत्खात भूमि से संबंधित बातें हुई हैं हमारी। दोस्तों इस प्रकार की जो आकृतियां हैं ये हमारी जो रेगिस्तान होते हैं या अर्धमरुस्थल होते हैं उसमें पाई जाती है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो कुछ शब्द हैं ये आपको पसंद आए होंगे और याद रखेंगे। कई बार जो है इनसे मैचिंग की जाती है, यूपीएससी में जो है कई स्टेटमेंट दे करके वो एक मैचिंग कराता है, तो उस समय पर इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो याद होनी बहुत ज़रूरी है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे आशा है आप लोगों को ये याद होगा। अगली क्लास में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।